नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। अपर्णा यादव सपा को धोखा देकर बीजेपी में शामिल हुई, तब से चर्चाओं में उनका नाम शुमार है। वहीं पर हाल फिलहाल में ही बीजेपी की भारी मोहब्बत से यूपी में जीत के बाद अपर्णा यादव एक अलग ही बीजेपी का परचम लहरा रही हैं। वहीं वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बीजेपी की जीत की खुशियां शेयर करना नहीं भूल रही हैं। वहीं पर अगर बात की जाए अपर्णा यादव की, वो यहाँ पर अक्सर अखिलेश को चुनावी मैदान पर आड़े हाथों लेते नजर आई हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपने ससुर मुलायम यादव के बारे में कुछ भी ऐसा अपशब्द या फिर ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया है। आज अगर वो बीजेपी में शामिल हैं, लेकिन वो सपा में शामिल अपने ससुर यानी कि मुलायम सिंह यादव की आज भी इज्जत करती है। हर मुकाम पर वो उनकी तारीफ करती नहीं थकती, और ऐसा हमने देखा कि आज तक उन्होंने मुलायम सिंह की बुराई नहीं करी है। तो वहीं पर आपको बता दें, अब इस चीज पर अपर्णा के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल यहाँ पर एक इंटरव्यू के दौरान अपर्णा यादव से पूछा गया कि आपको किस नाम से संबोधित किया जाए, बगावत करने वाली बहू या फिर योगी की बहन। आपको बता दें, अब यहाँ पर मुलायम परिवार की बहू के अलावा उससे पहले बीजेपी के तेज तर्रार नेता के रूप में अपर्णा यादव को माना जाता है। तो वहीं पर इस इंटरव्यू के दौरान अपर्णा यादव ने कुछ ऐसे बयान दे दिए जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अब वो मुलायम परिवार से कहीं ना कहीं दूर ही रहना पसंद कर रही है और ना ही उनके नाम से जाना चाहती है। दरअसल अपर्णा यादव ने अपने बयान में कहा, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ, मैंने राष्ट्रवाद के लिए बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी की जीत का सहरा हर कार्यकर्ता के माथे पर है। मुझे लगता है कि आप बीजेपी के साथ ही जोड़कर मेरी परिभाषा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दरअसल इस तरीके के बयान अपर्णा यादव के खूब वायरल हो रहे हैं, और अब लोगों का सवाल अपर्णा पर यही आकर अटक रहा है कि अपर्णा यादव अब मुलायम परिवार से सारे रिश्ते तोड़ने वाली हैं, या अब वो बीजेपी में रहकर योगी के साथ, जो अपने भाई योगी को मानती हैं, उन्हीं के साथ सारे रिश्ते निभाएंगी। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट नाइन।